वॉज लाइक ये हो क्या रहा है, मेरे बाल टूट क्यों नहीं रहे हैं? सल्फेट आपके बालों का दुश्मन है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ वेरी वेरी एक्साइटिंग वीडियो। एक्साइटिंग बिकॉज आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। इट्स अ हेयर प्रोडक्ट। आई हैव शेयर्ड इन अ फ्यू ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस कि मैंने अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, एंड केराटिन ट्रीटमेंट कराने के मेरे बहुत सारे रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेटली मेरे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे, बहुत ज्यादा ब्रिटल और ड्राई हो गए थे। एक्चुअली मैंने केराटिन ट्रीटमेंट कराया था, बट एवरीबडी नोज कि केराटिन ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इट ओनली स्टेज पुट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऑल दो मेरा केराटिन यूजुअल से थोड़ा ज्यादा चल जाता है बिकॉज आई टेक केयर ऑफ इट वेरी स्पेसिफिकली, बट स्टिल देर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स जो कि केराटिन कराने के बाद भी बालों में से नहीं जाती हैं, विच इज आई थिंक फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज स्प्लिट एंड्स। आई रियली डोंट नो अबाउट एवरीबडी एल्स। जो मेरे पास अभी तक श्योर शॉर्ट सोल्यूशन होता था वो था, जैसे ही मेरे बाल थोड़े भी डैमेज होते थे एंड्स पे से, आई यूज टू गेट देम कट ऑफ, मैं उनकी ट्रिमिंग करवा लेती थी। ऑल दो उसके बाद मेरे बाल धीरे धीरे ठीक हो जाते थे, बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि मेरी लेंथ जो है बालों की वो छोटी हो जाती थी, एंड आई वुड शेड टियर्स एवरी टाइम आई कुड गेट माई हेयर कट बिकॉज वो फिर लंबे ही नहीं हो रहे। आई हैव बीन ट्राइंग रियली हार्ड सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स, आई शुड से कि मैं अपने बालों को अच्छा लंबा करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ऑल्सो वो डैमेज ना दिखाई दे। बट नाउ दैट आई डिस्कवर्ड अ न्यू प्रोडक्ट विच इज व्हाट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेज वीडियो, इज द लॉरियल पेरिस ड्रीम लेंस नो हेयर कट क्रीम। आई हैव सच गुड थिंग्स टू से अबाउट दिस क्रीम। आई हैव यूज्ड इट फॉर द पास्ट 2 to 3 weeks, आई शुड से 2.5 weeks ऑलमोस्ट। मेरा इस ब्रांड के साथ फेथ जो है इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग सो मेनी प्रोडक्ट्स बाय दिस ब्रांड एंड एवरी प्रोडक्ट इज सो रेवोल्यूशनरी। इफ यू नो मी, यू हैव टू नो दैट आई एम अ फैन ऑफ स्टार पॉइंट्स। हर एक प्रोडक्ट में कुछ स्टार फैक्टर होना चाहिए, कपड़ों में कुछ स्टार फैक्टर होना चाहिए, मेरे फुटवेयर में कुछ स्टार फैक्टर होना चाहिए, एंड द सेम गोज विद माई हेयर केयर रेंज एज वेल, एंड दिस इज नो एक्सेप्शन। ये लॉरियल पेरिस की तरफ से ड्रीम लेंस रेंज में से है। इट कम्स विद अ शैम्पू एंड अ कंडीशनर। आई विल पॉप एन इमेज राइट ओवर हियर विच लुक समथिंग लाइक दिस। आज की वीडियो में आई एम नॉट गोना मेक इट टू लॉन्ग एंड टॉक अबाउट द एंटायर रेंज बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट दिस नो हेयर कट क्रीम बिकॉज दिस इज वॉट आई हैव बीन रियली रियली इम्प्रेस्ड विद। Talking about the product and the first thing that I have to talk about is the packaging. If you know me, you know it. पैकेजिंग इसकी बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल थीम में है, काफी समरी है आई वुड से बिकॉज इसके कलर्स काफी आई कैचिंग है। इट हैज अ पिंक ऑन टॉप अलॉन्ग विद द टेक्स्ट रिटन इन पिंक एंड व्हाइट। आई ट्राइड कोऑर्डिनेटिंग विद द प्रोडक्ट फॉर दिस वीडियो वेयरिंग पिंक एंड दीज व्हाइट इयररिंग्स, बट यार कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट, इट ऑल्सो कम्स विद दिस काइंड ऑफ आउटलेट फॉर द प्रोडक्ट टू कम आउट। यू कैन ऑलवेज स्क्वीज द बॉटल एंड टेक द प्रोडक्ट आउट ऑन योर पाम एंड जस्ट यूज इट डायरेक्टली ऑन योर हेयर। सो आई वुड से द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली। क्रीम की कंसिस्टेंसी इज सो लाइट वेट एंड इट ऑल्सो हैज अ वेरी कूलिंग टेक्सचर बिकॉज अभी मैंने अपने हाथ पर डाली थी जस्ट टू शो यू हाउ इट लुक्स, एंड मेरे हाथ पे बहुत ही ठंडी सी फीलिंग आ रही है, इट फील्स रियली गुड। नाउ दैट समर्स आर अप्रोचिंग, आई वुड लाइक एवरी थिंग टू गिव मी अ कूलिंग सेंसेशन। द क्रीम इज वेरी वेरी लाइट वेट, ये बालों में बहुत ही जल्दी और बहुत ईजीली अप्लाई हो जाती है। आई विल शो यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, आई विल गिव यू लाइव डेमो रिजल्ट। द क्लेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कि हमारे बालों को एंड्स पे से प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हीट, फ्रॉम डैमेज, फ्रॉम स्प्लिट एंड्स, फ्रॉम ब्रेकेज, ब्रिटलनेस। नाउ दैट आई हैव दिस प्रोडक्ट आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई इट, एंड इट्स वेरी वेरी ईजी एंड वेरी वेरी कन्वीनियंट टू यू। आप इसको ड्राई बालों पर भी यूज कर सकते हैं, बट फॉर द बेस्ट रिजल्ट आप इसको गीले बालों पर, वेट या डैम्प बालों पर, राइट आफ्टर यू यूज द शैम्पू एंड द कंडीशनर आप इसको अपने बालों पर लगाइए। इसे स्कैल्प पर नहीं लगाना है, रूट्स पर इसको मसाज नहीं करना है, इसको सिर्फ हमारे मिड टू एंड लेंथ तक लगाना है। ये हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है, डीटैंगल करता है, जिसकी वजह से हमें कॉम्ब करने में बहुत इजी होता है, बाल हमारे जल्दी से टूटते नहीं है, एंड बहुत ही अच्छा ग्लॉस एड होता है। इंस्टेंटली बाल इतने ग्लॉसी और शाइनी लगने लगते हैं एज इफ आई जस्ट कम आउट ऑफ द पार्लर, एंड आई रियली रियली लव इट। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मेरे बालों पर क्या इफेक्ट आया। आई वॉज टेस्टिंग इट आउट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो ऑफकोर्स, बट मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि बालों में क्या है। मुझे लगा एक नॉर्मल सीरम है,
आई हैव यूज क्वाइट अ फ्यू हेयर सीरम्स इन द पास्ट, कुछ लॉरियल पैरिस के, कुछ पाकी ब्रांड्स के, तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया. बट आफ्टर 2 to 3 days मेरे बाल इतने ज्यादा सॉफ्ट लग रहे थे एंड मैं कॉम्ब भी कर रही थी तो मेरे बाल टूट नहीं रहे थे. सो आई वाज लाइक हो क्या रहा है, मेरे बाल टूट क्यों नहीं रहे हैं, मेरे बाल उलझे भी नहीं, मेरे बाल टूटे भी नहीं. इट वॉज सो डिटैंगल्ड इवन आफ्टर 2 or 3 days. आई थिंक इट वॉज माई 3rd day एंड आई हैड टू वॉश माई हेयर. सो आई थॉट आई विल गिव इट अनदर ट्राई. मैं इसको अब की बार अपने गीले बालों पर लगाऊंगी एंड आई विल चेक कि बालों में क्या फर्क होता है. आई हैव नेवर लुक्ड बैक. पिछले 2 या 3 हफ्तों से मैं इसको कंटिन्यूसली अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे केराटिन ट्रीटमेंट के ऊपर भी अप्लाई करने के लिए एक सेफ प्रोडक्ट मिल गया. बिकॉज वंस यू गेट दीज ट्रीटमेंट्स डन, आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि आप हर एक प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते. यू हैव टू चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कि आप अपने केराटिन के ऊपर कौन से प्रोडक्ट्स लगा रहे हो सो दैट द प्रोडक्ट डज नॉट वेयर ऑफ योर केराटिन. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से, किसी भी प्रोडक्ट में सल्फेट नहीं होना चाहिए. सल्फेट आपके बालों का दुश्मन है एंड दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट विद दैट रिगार्ड. अपार्ट फ्रॉम नॉट हैविंग सल्फेट एंड पैराबेन्स, इट हैज 3 major ingredients. फर्स्ट ऑफ ऑल कैस्टर ऑयल. आप अपने बालों से परेशान है और आपने कोई भी रेमेडीज अगर गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करे हैं, आई कैन बेट ऑन दिस कि आपने कैस्टर ऑयल का यूजेज कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा. बिकॉज कैस्टर ऑयल इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल ऑयल्स. बट कैस्टर ऑयल यूज करना इतना ज्यादा ईजी नहीं है बिकॉज इट इज वेरी थिक. आई नो, आई हैव बीन देयर डन दैट. कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, उसके साथ यू नीड अ कैरियर ऑयल विद दैट. इट इज सो ग्रीजी, लीव इट ओवर नाइट एंड देन वॉश इट ऑफ इवन इफ यू डोंट हैव द टाइम. बट दिस प्रोडक्ट सेव्स मी ऑल द हसल क्योंकि इसके अंदर कैस्टर ऑयल ऑलरेडी प्रेजेंट है इन अ वेरी गुड अमाउंट. कैस्टर ऑयल है, वेजिटल केराटिन है, विटामिन्स है, सल्फेट और पैराबेन्स नहीं है एंड इट प्रोटेक्ट्स द एंड्स ऑफ योर हेयर सो वेल. आई विल शो यू लाइव रिजल्ट्स. नाउ दैट आई ट्राइड इट ऑन माई ओन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, आई कैन रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू एंड इन फैक्ट आई वुड अर्ज यू टू ट्राई इट फॉर योर सेल्फ. यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. दिस रिटेल्स फॉर 499 rupees फॉर 200 ml ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ इट. यू कैन कैरी इट अराउंड विद योर सेल्फ. मैं इसको अपने पर्स में भी कैरी करती हूँ. इफ आई हैव समवेयर इम्पोर्टेंट टू गो, आई जस्ट टेक अ वॉलनट साइज ऑफ इट, आई टेक इट बिटवीन माई पाम्स एंड अप्लाई इट ऑन द एंड्स ऑफ माई हेयर एंड आई एम गुड टू गो लाइक दैट. I think I've covered almost all the things about this product. If you still have any questions, please let me know in the comments down below. I would be more than happy to help you based on my experience. All the purchase links for this product will be listed down in the description box below. Try it out for yourself and you will come back thanking me for this product recommendation. So yeah, I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye bye.